सदन के अंदर और सदन के बाहर जो आज की राजनीति है वो काफ़ी कहीं ना कहीं पीड़ादायक है। देखिए विधायक के साथ, अतिरिक्त विधायक के साथ हम कर रहे हैं, क्या ऐसा क्यों हो गया आपके साथ, यहाँ सट पटा हुआ है? ये विधानसभा जो चल रही है, क्या नाम है आपका? अजय यादव, अतिरिक्त विधायक, गया जिला। बताइए क्या हुआ आपका? ये विधानसभा जो चल रही है वो लोकतंत्र की घोर हत्या हो रही है। सीधे यहाँ प्रशासन इस विधानसभा को चला रहे हैं। हम लोग जैसे जैसे हम लोग अपने बात को उठाते हैं उसके कारण ये कॉलर पकड़ा पकड़ी हुआ है। ये आपको फटा हुआ अंदर गंजी फटा हुआ है? गंजी भी फटा हुआ है। अब वो निशान भी है कुछ यहाँ नाखून का निशान है? बिहार पुलिस। हम लोग अपना बात को उठा रहे थे, हम लोग अपने बात को रख रहे थे, इसी बीच में सही है जो हो रहा है। ये तो ऐसा हमको तो नहीं लगता है कि विधानसभा में, बिहार विधानसभा में कभी भी हुआ होगा जो आज की घटना है। सरकार के लोगों का कहना है जो आप लोग कहीं ना कहीं ऐसा माहौल पैदा कर रहे हैं। नहीं नहीं, हम लोग माहौल नहीं पैदा कर रहे थे, हम लोग तो काला कानून के बारे में हम लोग बता रहे थे कि ये काला कानून है, ऐसे पुलिस को आप छूट दे दीजिएगा, बिना वारंट के अरेस्ट कर लेगा, किसी को भी अरेस्ट कर लेगा, मुझे भी कर सकता है, कोई भी विधायक को कर लेगा। और आम पब्लिक को तो इतना परेशानी झेलनी पड़ती है पुलिसिया विभाग से जो छुपा हुआ नहीं है, फिर एक और पावर दे रहे हैं, काला कानून दे रहे हैं कि जब मन होगा पुलिस आपको सर्च कर लेगी बिना वारंट के, बिना वारंट के आपके घर सर्च कर लेगी, बिना वारंट के आपका बॉडी चेक कर लेगी, बिना वारंट के अरेस्ट कर लेगी। तो ऐसा काला कानून, इसी के हम लोग तो देख रहे हैं, हम लोग को तो बात को ही नहीं माना गया, पास कर दिया गया। देखिए हमारे साथ चेतन आनंद भी हैं, युवा विधायक हैं। देखिए आपको अजीत जी की पीड़ा हमने बताई, चेतन जी आपके साथ भी कुछ हुआ है? जी हाँ, खींचा खींची करने की कोशिश की गई हमको बाहर निकालने की, जैसे इनको खींचा गया वैसा हमको भी खींचा जा रहा था। और सबसे बड़ी बात है कि जब सीट पे व्यक्ति विधायक बैठता है तो किसी को मार्शल भी अगर हो तो उसको अधिकार नहीं है, तो ये बिहार पुलिस के गुंडे कहाँ से आए? और सबसे बड़ी बात है कि ये जो पूरा ड्रामा रचा गया वो इन्हीं लोग के संरक्षण के लिए और इन्हीं लोग के कमाई के लिए, तभी ना पुलिस आ जा गई, और इन्हीं लोग के पॉकेट में जो पैसा जाना है और आरसीपी टैक्स जो लगेगा उसी का को बचाने की कोशिश कर रही है ये सरकार। लगता है जो संवैधानिक पद है, जनता आप लोग से आशा रखती है, और आज का दिन जो हो रहा है सदन के अंदर कितना उसको सही मानते, क्यों ऐसा हो रहा है? आप लोग का भी इस पर विचार करना चाहिए। आज के दिन इस विधानसभा में इतिहास रचा गया है, इतना काला दिन आज तक नहीं आया था। और सबसे बड़ी बात है कि आपने विधायकों को सदन से बाहर निकाल करके उसके बाद वोटिंग कराया है, जनता सब देख रही है, जनता से ये सब बातें छुपती नहीं है, और इसका सूद समय में जो है आपको पूरा पूरा हिसाब किताब करना होगा। और कल आज आपने ये रूल बनाया तो है, सरकार आपकी हर हमेशा नहीं रहेगी, कल कोई और भी रहेगा सरकार में, और वो अगर आपके साथ गलत करेगा तो उसकी जवाबदेही आज का जो है ये जो ट्रेंड बनाया गया है उसकी वजह से होगा, ये इतना बड़ा हादसा हुआ है आज, जो आज ये ट्रेंड चेतन जी क्या करेंगे आप लोग आगे? देखिए आज से ये जो ट्रेंड बनाया गया है कि पुलिस को अंदर घुसा करके अपने विधायकों को बाहर करा करके उसके बाद वोटिंग कराई, ये ट्रेंड इतिहास याद रखेगा और डेमोक्रेसी आपको कभी माफ नहीं करेगा। इस शर्ट को नीतीश जी के नाम पर टांग देंगे, नीतीश जी लिख के क्या बोले, इस शर्ट को जो फटा है नीतीश जी के नाम लिख कर टांग देंगे, कि हमेशा याद दिलाएगा कि लोकतंत्र की हत्या कैसे होती है सदन में। सुनो महबूब जी, इधर आगे की क्या रणनीति है? महबूब जी आगे की क्या रणनीति है, अब क्या करेंगे आगे, आगे क्या करेंगे? हम विरोध करेंगे, जनता के बीच में जाएंगे हम। आप लोगों को सस्पेंड किया गया? हमने कोई सस्पेंड नहीं किया गया, सब सस्पेंड हम लोगों को नहीं किया गया है, आगे की सदन को सस्पेंड किया। सदन में विधायकों को अंदर सदन के अंदर पीटा जा रहा है, तो
लोगों को क्या होगा? आवाज नहीं चला सकते हैं। मनोज जी, मनोज जी, तैयार नहीं होते। बाबू जी क्या हुआ अंदर, क्यों ऐसा हो रहा है? अरे सदन में हम लोग मांग कर रहे हैं, ये खतरनाक जो काला विधेयक है, कानून बनने जा रहा है, इसको बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस विधेयक, इससे आर्म फोर्स को अधिकार दिया गया है कि बिना वारंट का गिरफ्तारी होगी, किसी शक पर गिरफ्तारी होगी, बिना वारंट का सर्च तलाशी होगी, और इसको कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकेगा और कोर्ट बेल भी नहीं देगा। इसलिए हम लोगों ने इसको प्रवर समिति में भेजने की मांग की। आई है चोटें, आपको भी आई है महबूब जी? जी जी, धक्का मुक्का दिया गया हमको जबरदस्ती। किस तरह चोटें, चोटें आपको भी आई है? उड़े हमारा हमार चोट आई है, बाह में हमको चोट मिला है, मरोड़ दिया बाह हमको, और निर्ममता से बिहार की पुलिस को अंदर घुसा दिया। ये हिंदुस्तान के संसदीय इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा काला दिन है। आज तक तो पुलिस कभी सदन में नहीं आई थी ना? अब तक तो पुलिस नहीं आई थी, पुलिस को तो आना नहीं चाहिए। हमारी जो मांग है, अब आप लोग क्या करेंगे? हम लोग जनता के बीच जाएंगे, हम लोग जन आंदोलन खड़ा करेंगे। धक्का मुक्की आपके साथ भी, आपके साथ भी धक्का मुक्की? मेरे साथ तो सुबह, हमारे साथ तो 5 बजे ही पिटाई किया और अभी भी मारा, सबको मार मार के निकाल रहा सदन के बाहर। ये तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया को खत्म कर दिया नीतीश कुमार ने। अभी क्या हुई? अभी जब आप लोग बाहर आए हैं तो आप लोग अपने मन से आए कि बाहर क्या गया? बाहर किया गया, पीट कर, पीट पीट कर फेंका जा रहा है बाहर विधायकों को। वहाँ तेजस्वी जी पर भी हाथ चला रही है पुलिस। आखिर मतलब ऐसी क्या बातें होगी जिस तरह की बातें हो रही हैं? जबरन इस कानून को सदन के अंदर पास कराना चाहते हैं। सदन 5 बजे तक चलता है, 7:30 बज गया, सदन को जबरन चलाया जा रहा, चलाने की कोशिश हो रही है, चोर दरवाजे से इस कानून को पास किया जा रहा है। हम लोग क्या करेंगे अब? हम लोग तो बिहार के जनता मालिक है सदन के अंदर। आपको भी तभी बाहर फेंका गया था ना? बिल्कुल, मुझे भी फेंका गया था। आप बेहोश भी हुए थे? बेहोश भी हुए थे। तो लड़ाई होगी बिहार के बारे को, जनता देख रही है। मांझी विधानसभा छपरा, CPIM कि जिसको, जिस प्रतिनिधि को चुन के वो लोग भेजते हैं, आज जब काला कानून पास हो रहा है और जब हम लोग बोलते हैं सुनते नहीं है, बिल बिना सबको कहते हैं कि नहीं साहब स्थगित हुआ, खत्म हुआ, इस तरह करते। इस बार देखिए पुलिस फोर्स को ले जाकर, महिलाओं को पुलिस फोर्स से घिस कर आपके साथ धक्का मुक्की हुई है अजीत जी? नहीं, धक्का मुक्की हमसे नहीं हुई, लेकिन हमारे 7-8 विधायकों को चोट लगी है, पैर से पुलिस ने मारा है। यह पूरे बिहार की जनता का अपमान है और इस सरकार से बिहार की जनता बदला लेगी। यह बहुत अशोभनीय काम हुआ है बिहार के अंदर, ऐसा कभी हम लोग सदन में देखा नहीं, 3 बार से जीते हुए विधायक है। हमारे साथ राकेश कुमार रोशन जी हैं। रोशन जी आपको भी चोटें आई हैं, आपने धक्का मुक्की हुई है? हमको चोट नहीं लगा, लेकिन हमारे साथियों को चोट लगा और ये विधानसभा के इतिहास में पहली बार। रोशन जी क्यों, देखिए दोनों को सोचना होगा ना, सत्ता पक्ष दोनों के दायित्व, अगर सदन में ऐसा होता है आखिर क्या है? हम लोग लोकतांत्रिक तरीके से विरोध प्रकट कर रहे थे, हम लोग चाहते थे कि ये जो बिहार पुलिस संशोधन बिल सरकार ला रही है ये बिल्कुल जनहित में और कानून के अनुसार सही नहीं है, इसलिए हम लोग इसका विरोध प्रकट कर रहे थे। और विरोध प्रकट करने के रूप में हम लोगों ने एक रास्ता तय किया था कि स्पीकर साहब को हम लोग हाउस में नहीं जाने दें, प्रोटेस्ट करें असेंबली में, हमेशा हम लोग अपनी जनता की बात को रखने के लिए आए, इसलिए जनता की आवाज़ को उठाते रहे हैं। लेकिन इस बार एक नई परंपरा देखने को मिला कि बाहर से पुलिस फोर्स को बुला करके ज़बरदस्ती हमारे विधायकों के साथ मारपीट किया गया, खींचातीनी किया गया, और हाउस में जिस समय बिल इंट्रोड्यूस किया गया उस समय पूरा हाउस छावनी में तब्दील था।
हुआ जो आज तक सदन के इतिहास में नहीं हुआ है। आप लोग अब आरक्षण से आगे क्या करने वाले हैं? अब आगे अभी हम लोग की बैठक होगी, बैठक के बाद हम लोग फैसला करेंगे कि आगे क्या रणनीति हमारी होगी। उनको मारा पीटा जा रहा था, कुछ बचा क्या? आज आज
बताइए मैडम क्या किया गया आपके साथ? हम लोग कानून का विरोध कर रहे हैं, काला कानून का। प्लीज प्लीज हाँ जी प्याज में हम